अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जी, हमारी सुबह हो चुकी है और ये देख ले, मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे हैं और आसपास भी आप देख ले, छोटी सी दुनिया सो रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हमारी सुबह तो हो गई, आपकी सुबह हो गई है? क्या कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा रास्ता दे दें। तैयारियाँ देखें इनकी, ज़रा तैयारियाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। संडे के दिन इनका दिखा करें आप, और सैटरडे को और मंडे के दिन इनके लिश्कारे ही नहीं मान होते, और सैटरडे संडे मुझे नहीं लगता ये वही है जो सैटरडे संडे फिर रहे होते हैं घर में। इनका ये हुलिया देख के लगता नहीं है। टाई बांधना सीख लो अभी, जिसने सीखनी है बता दें जी, टाई कैसे बांधते हैं मुझे तो खुद नहीं आती। ऐसे करके इसको नीचे से ऊपर लेके आना, इसको ऐसे पलटी मारनी है, देन नीचे से लेके आएंगे और ऐसे फांसी दे देंगे। वाह जी वाह। तो किस किस को समझ लगी है, कौन कौन ट्राई करेगा? आज मैं आपको जी थोड़ी सी अपनी रूटीन दिखाऊंगा ऑफिस की। अच्छा, तो आज का व्लॉग होगा मेरे हस्बैंड की रूटीन पे। ऑफिस में क्या हम सारा दिन चबले मारते हैं। आपको भी आइडिया होगा और इनको भी। हाँ नहीं, मुझे तो आइडिया है। आज फर्स्ट डे ऑफ वीक है और सबसे तो हैट्रिक दिन। आज का दिन काफ़ी बिजी रहने वाला है क्योंकि आज मीटिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, थोड़ा सोची बोले। और कुछ शेड्यूल मीटिंग्स हैं और कुछ अनशेड्यूल हैं जो अचानक से आ जाती हैं। अच्छा, इनकी मीटिंग्स का तो आपने सुन लिया, और ये मेरी भी ज़रा आप देख लें, ये सारा कुछ मेरी ड्यूटी इनके जाने के बाद स्टार्ट होगी। पूरे रूम का हाल देख लें आप। मेरी रूटीन तो आपने देखी ही है कि मैं क्या करती हूँ और फिर सारा दिन मेरा कैसे गुजरता है। आज आपने देखना है कि इनका सारा दिन कैसे गुजरता है। फिर आपको पता चलेगा कि खाली सोनी ही नहीं काम करती। अच्छा जी। पहना दो। हाँ, मैंने मोबाइल जो पकड़ा हुआ है। तला आहिस्ता करें। तलहा ने आधा नाश्ता कर लिया है और अभी इसने हाफ करना है। ये साथ साथ आप दिख ही रहे आस पास का हाल। तो हो गए आप रेडी? ऑलमोस्ट। अभी क्या रह गया आपका? अभी बस ऐनक रह गई है। शूज़ हो गए हैं साफ? शूज़ तो साफ करके रखे हुए थे आपने जी। चले जी। अच्छा जी, ऑफिस जाके मिलते हैं। ठीक है जी, और क्या लगाते हैं आप, ये भी शेयर करें। और मैं कुछ भी नहीं लगा रहा जी। अपनी फ्रेग्रेंस स्पेशल जो आप लगाते हैं वो मैंने अभी लगा ली है, रोमांस। मुझे ज़्यादा पसंद है परफ्यूम, तो वही लगाई है। अच्छा, मुझे खर्चा भी दे के जाए। थैंक यू जी। तो पकाना क्या है ये भी बता दें। चलो, पहले से आपको अंदाज़ा ही पकाना क्या है, अब पकाना क्या है और वीडियो क्या बनानी है, ये दो काम। मुझे नहीं पता, आपको भी देख लीजिए। अच्छा जी, चिकन तो खा लिया, दाल की बारी है। दाल बना लूँगा, सब्जी बना लूँ, जो मर्जी बना लो। ये मेरे ड्रॉ में इलास्टिक क्या कर रहा है? ये रात को मैंने रखा था जी, अभी निकाल लेती हूँ, अभी करना है मैंने। अच्छा, वो मुझे बच्चों की भी आप दे दें, ट्यूशन फीस। ट्यूशन की भी मैं दे देता हूँ जी, मैं भूलना ना जाऊँ। पहली हो गई है हमारी, पहली तो होती है जब पे आती है।
हमारी तो वही पहली होती है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अब कौन सा हिसाब रह गया जी, सोच ले। अच्छा जी, कमेटी भी आ गई। दूध वाले साहब, वो मैं उसको खुद ही ले लूँगा। ठीक है जी, उसके दो ना गए हैं, ज़्यादा ना दे दीजिएगा। मेरे मियाँ हमेशा उसको ज़्यादा पैसे दे देते हैं, वो इनसे लेके पैसे बड़ा खुश होता है। अपने नागे ही नहीं गिनवाता, उसको पता है ना बाजी ने पैसे दिए तो नागे काटेंगी। इनके साथ उसने अपना ही हिसाब रखा हुआ है। अब जेब आपकी खाली हो गई है? नहीं जी। अच्छा जी, माशाल्लाह। वाह जी, अच्छा जी। और वो खाइए आपने मल्टीविटामिन? मल्टीविटामिन्स खाता हूँ। अच्छा जी, मैं आपको ला देती हूँ। ये मैंने तो किचन में ही रखी हुई है ताकि मैं भी ना भूलूँ और आप भी ना भूलें। मैं आपको पानी देती हूँ, मल्टीविटामिन्स। ये जब मैं बीमार हुई थी तो ये लेके आए थे। जबरदस्ती मुझे खिलाती है जी, ये मेरे लिए लाए थे, लेकिन मैं इसी शर्त पे खाती हूँ कि ये भी खाएं। पैरा समूह बन जाता है। क्योंकि आपको पता है, हाँ ऐसी मेडिसिन जी। अब क्या रह गया जी आपका? मोबाइल दूसरा तला, मोबाइल दे दे मुझे तला जी। अब दे दें जी, आपका टाइम पूरा हो गया। देख लें, आपकी परी नहीं उठी और फिर इसने उठ के कहना है मैं उठी नहीं। सोने दे इसको, नहीं उठाने देते हैं जी। मैं भी कहती हूँ चलो सो जाओ यार, लड़कियों की यही जिंदगी है। क्या ख्याल है आप लोगों का बताइएगा, नी जो नींद ये मिलती है ये फिर कभी भी नहीं मिलती। लड़के तो जाने के लिए जल्दी हो जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम, ये मेरे देवर हैं जी, ये आ गए हैं इनको लेने। अस्सलाम वालेकुम करते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, किधर है? आ जा फिर, टाइम क्या हुआ दिखाने। चलें ठीक है फिर, ये शेयर करते हैं आपसे। इनको मैं सी ऑफ कर दूँ। ये देख लें जी, ये सीन रह गया था इनके सी ऑफ का। ये तो लाजमी है ना, और ये मॉन्की। उठ रही है, उठ रही है वो। जैसे इन्होंने निकलना उसने उठ जाना। हाँ जी जैन जी, बूट तो फिनिश कर रहे, मार रहे हैं आपके। वाह जी वाह जैनु, हैं क्या बात है, नहीं लाए? वाह जी वाह जी वाह, यार कमाल कर दिया। कहाँ से लाए हैं आप इतने प्यारे शूज? जरा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टाई मेरी बैग के अंदर ही है, मेरी जरा व्हाइट शर्ट जो मैं लेकर था इधर ही रह गई। मैं इस्त्री करवा रहा हूँ, वो भी पहन लूंगा। चलो ठीक है। ये माशाल्लाह से हमारे जो देवर है ना, ये हमारे हाथों में माशाल्लाह बड़े हुए हैं। ये तलहा की एज के थे जब हमारी शादी हुई है, तो अभी भी ये हमारे बच्चे ही हैं छोटे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। खैर से जाए, खैर से अल्लाह मुमकिन। हाँ जी, हाँ चेंज लगने क्या किया? गाड़ी थोड़ी सेट कराई है जी। हम मंडे को तो सबके लिए शिकारे निकल रहे होते हैं, है ना? वो मैंने मुँह हल्की कराई है। अच्छा चले ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपको मैं दिखाती हूँ आगे, बल्कि ये दिखाएंगे आज आगे इन्होंने क्या क्या किया। अल्लाह हाफिज़। ये देख लें जी, ये वापस आए हैं और इनको पता चल गया कि ये मैडम उठ गई है, और अब ये इससे मिले बगैर जा नहीं सकते। ये हो नहीं सकता जी, जितना मर्जी लेट हो जाए। उठ गई हैं आप, फिर आप भी शर्मिंदा शर्मिंदा होती हैं कि आप उठ के आपने शो ऑफ नहीं किया बाबा को। मुझे तो लगता है आपका व्लॉग तो मुझे दो किस्तों में डालना पड़ना है, वीडियो बड़ी लंबी हो रही है। रेन, रेन, आई मैं चित की इतनी प्यारी गुड मॉर्निंग स्माइल। अच्छा जी, ये देखिए मेरा फ्रेंड। हाँ ये तला का न्यू बैट, ये आपने पहले भी दिखाया। क्या हुआ जी, बुगिया बनी हुई है? दिखाए जी, जरूरी वो देखी वो
हुआ? आपने ब्रेकफास्ट नहीं ना किया बाबा के हैंड से आज? चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, मामा कराते हैं। ठीक है, बाबा लेट हो रहे हैं ना। मैंने आपके लिए बचाया है। हाँ जी, आपका भी बना हुआ है। ओके जी, फाइनली ओके जी, अब आपको ऑफिस में मिला। यानी कि आज घर का कोई व्लॉग नहीं आने वाला, या साथ साथ में भी आपको अपनी रूटीन शेयर कर दूं? आप भी करें। ठीक है जी, चलें जी, अब आपने रूम का। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब मैं ये नीट करके आपको दिखाती हूँ और साथ साथ इनका भी दिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़ जी। हाँ जी, तो चले जी, दूध वाला भी आ चुका है। और ये देखिए छोटी गुड़िया क्या कर रही है, ये मेरे पीछे आई है जग पकड़ने के लिए। तो चले दिखाती हूँ साथ साथ। अच्छा जी, गाना गा रहे हो? बस अब इन दोनों छोटों का शुरू हो गया है काम, और ये सारा दिन माशाल्लाह इनकी रौनक है, मस्ती है, और मेरा भी दिल लगा रहता है। तलहा ने तो नाश्ता कर लिया है, छोटी गुड़िया ने भी नाश्ता करना है, और छोटी गुड़िया को मैं भी नाश्ता कराऊंगी। हाँ, सर्दियों में कितना एक्स्ट्रा खिला रहा होता है ये ब्लैंकेट्स का। सुबह सुबह बच्चे प्यारे प्यारे से तैयार हो जाए ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। बस अब ये मैं करके इनको, उसके बाद मैंने करनी है सफाई। सफाई के बाद पूरे घर की डस्टिंग करूँगी। टेस्टिंग के बाद जैसे अपनी रूटीन पता है, किचन में जाऊंगी, किचन में जा कर देखूंगी कि मैंने पकाना क्या है, और पकाने का सोचूंगी मैं। तो फिर आज का, क्योंकि व्लॉग मेरे हस्बैंड पर है, तो देखते हैं इन्होंने आज ऑफिस में क्या क्या किया, दिखाते हैं आपको साथ साथ। मम्मा पापा तो ऑफिस में है, कैसे वीडियो बना सकते हैं? पापा कैसे बनाएंगे, अब ये नहीं पता ये कैसे बनाएंगे वीडियो, फिर घर में तो मैं बना लेती हूँ। तो ये क्या करेंगे देखते हैं। मैं बस ये इसके बाल बना के डस्टिंग करके सारे होंगी, इन दोनों बच्चों का नाश्ता कराऊंगी। नाश्ता करवा के तो वो रूटीन तो आपने मेरी देखी हुई है, ठीक है, और इंशाल्लाह फिर आगे भी मैं आपको दिखाती रहूंगी। आज देखते हैं ना मेरे मियाँ जी क्या करते हैं। ये तो मुझे पता है ऑफिस में माशाल्लाह माशाल्लाह काम करते हैं वो, तो आज देखते हैं क्या करते हैं, उनकी क्या रूटीन है। और मुझे भी आज का व्लॉग में बहुत मजा आने वाला है। अच्छा जी, हुरिया छोड़ो, दिखाओ फ्रेंड्स को, दिखाओ अपने प्यारे प्यारे से बाल। तला ने भी कटिंग करवाई है, तला के बाल शॉर्ट होकर बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऊपर देखो, नीचे देखो, इधर आओ, इधर आओ, तला ऊपर देखो, ऊपर देखो। अच्छा
मैं लगा देती हूँ, आपने इसको अच्छे तरीके से ना, ठीक है, पहले मैं इस पे लगाऊंगा। ठंडी लगती है इसको, ठंडी ठंडी लग रही है। चिकी 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 हैंड को सीधा करो, चलो मलो इसको। दिखाओ ऐसे ऐसे। मैं आपको देती हूँ खेलने के लिए, देती हूँ इसको खेलने के लिए, अलग से भी चाहिए। प्यारी प्यारी हुरी, मिली हुरी बन गई है मालो कैटो। अच्छा मैं देती हूँ, तलहा आपने लगा ली तो मैं लगा दूँ। अच्छा जी, बच्चों का हो गया नाश्ते का टाइम, बिस्मिल्ला। ये छोटी सी गुड़िया को देखे, इसको थोड़ा सा रोना रोना आ रहा था। नहीं, स्माइल करके दिखा दो प्यारी सी, प्यारी सी स्माइल। बस थोड़ा सा नीट हो चुका है रूम मेरा, माशाल्लाह से थोड़ा सा रह गया है तो वो भी हो जाएगा। अभी इनको कार्टून लगा के दिया और नाश्ता करा के फिर मैंने जाना है किचन में, और आज मैं बनाऊँगी चने की दाल चिकन, साथ में राइस और रोटियाँ। चलें ठीक है, इनको मैं ब्रेकफास्ट करा लूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फानिउ व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم. जी तो गाइस, देखा आपने अभी तिलावत कुरान पाक हुई है, उसके बाद एक छोटी सी ब्रीफ, और अब हमने अपने दिन का आगाज़ शुरू कर दिया। अब अभी एक मैनेजर मीटिंग मैंने कॉल की है, जिसमें अभी इंटरनली जो मीटिंग्स का शेड्यूल है आज का, वो डिस्कस होगा कि मीटिंग कहाँ कहाँ पे है और किस किस के साथ है, किसने आना है, कहाँ पे हमने जाना है, ये सारी चीज़ें तो साथ साथ आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे फर्स्ट मीटिंग हमारी कहाँ पे होती है और किसके साथ होती है। तो ये देख लें जनाब, 12:30 हो चुके हैं, सब रूम नीट एंड क्लीन हो गए हैं, सफाइयाँ हो चुकी हैं, और अब मैंने करना ये है कि ये कपड़े, ये सारे धुले हुए कपड़े समेटने हैं, और ये धुले हुए कपड़े समेटूंगी लेकिन पहले किचन कर लूँ। ठीक है, तो ये देख लें, ये मेरे मियाँ जी ने माशाल्लाह से रिंग लाइट मुझे ला के दिया, इसके साथ ये होल्डर है क्योंकि ये टूट गया था ना इसके ट्राईपोर्ट का, तो खैर वो भी पीस पता किया है, कह रहे हैं मिल जाएगा इंशाल्लाह, वो भी आ जाएगा। फिलहाल मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ, अभी मैं अपनी वीडियो आज ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, बस आपको दिखा दूँ। ठीक है, तो माशाल्लाह से दूध बॉइल हो चुका है और अब मैं करने लगी हूँ किचन की सफाई। ठीक है, ये बर्तन धोऊंगी, चने की दाल मैंने भिगो ली है, ये मैंने आज पकानी है चिकन के साथ, राइस के साथ, आटा मैंने गूंदा हुआ है, जिसने रोटी खानी रोटी खाएगा, जिसने राइस खाएगा मेरी तरह। और कुछ सामान कल आया था, शक्करकंदी वगैरह, ये वॉश करके रखूँगी, टाइम मिला तो बच्चों के लिए बना दूँगी, प्याज वगैरह है, ये सोडा सल्फ सारा समेटूँगी मैं, और किचन नीट करूँगी, खाना चढ़ाऊँगी। तो ज़्यादा वीडियो मैं आपको आज अपनी नहीं दिखाऊँगी, आज आप देखेंगे मेरे हस्बैंड की रूटीन। तो ठीक है, फिर किचन नीट करके आपसे मिलती हूँ।
क्या है इस लड़की को जिद चढ़ी है। तो खैर किचन तो मेरा नीट हो चुका है, बर्तन शर्तन धुल गए हैं और अब मैं बना रही हूँ इसके छोटी का सागुदाना। तो बस ये थोड़ा सा रह गया बनने वाला है, इसने रोना डाला हुआ है और अभी वो गर्म है, थोड़ा सा बनने वाला है और इसको सब्र नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैंने दाल भी भिगो दी है, राइस भी भिगो दी है, बर्तन अभी सूखेंगे तो फिर मैं इनको समेट लूँगी और प्याज टमाटर की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो खैर बस बनाती हूँ खाना, पहले इसको मैं ये ठंडा करके खिला दूँ। इसको बहुत चिड़चिड़ी है, इसको नीनो आई है। हाँ जी सुबह जल्दी उठ गए थे ना बाबा को सी ऑफ करने, कौन आ गया। चलो ठीक है देख लें जी, 2:15 हो गए हैं और मेरा अभी क्या क्या काम हुआ है। मेरा अभी आप ये देख लें राइस बन गए हैं, ठीक है चने की दाल मैं बना रही हूँ, ठीक है क्योंकि गैस कम थी तो मैंने फिर स्टेप बाय स्टेप काम कर रही हूँ। बीच में हमने खाया खाना जिसके दोबारा से ये बर्तन इकट्ठे हो गए, अब वो वॉश कर रही हूँ दूसरी शिफ्ट में। नहीं बाबा नहीं हो रही, बच्चों को खाना खिलाया, नमाज पढ़ी, फिर अब बस ये करके दाल बना के बस सारे बाकी का किचन करके फिर मैं करूँगी कुछ और काम। तो देखते रहिए साथ साथ, इस्त्री भी करनी है आज मुझे कपड़े बहुत सारे, तो बस खाने से फ्री हो जाऊँ। अच्छा यहाँ पे मैं आपको चने की दाल की एक ज़बरदस्त सी टिप दे दूँ। ये देखें हमने पहले मसाला भूनना है, ठीक है अब आगे घी देख रहे हैं, ये रेडिश सब बहुत ज़बरदस्त कलर आ रहा है घी का, ये हमने उतार लेना है, ठीक है इसको उतार के हमने इस तरह से रख लेना है, ओके ठीक है। और वैसे भी अगर घर में कभी आप बनाते हैं कोई भी खाना ज़्यादा हो जाता है घी कढ़ाई वगैरह से अक्सर ज़्यादा हो जाता है कौरमे वगैरह में, तो आप इस तरह से निकाल के सेव कर लिया करें, वो फिर जब आप दालें वगैरह बनाते हैं ना तो काम आते हैं। तो खैर अब इसके बाद मैं डालूंगी चने की दाल, तो मैंने कहा मैं आपको साथ साथ टिप दे दूं। और इसके एक स्पेशल जो रास की बात है ना जिसका टेस्ट डबल करती है वो ये है कि हमने इसको लास्ट में भी तड़का लगाना है। यस हमने इसको थोड़ी सी प्याज लेके लास्ट में भी तड़का लगाएंगे, फिर धनिया हरी मिर्चें और अदरक और गर्म मसाले पाउडर जो है वो इस पर हम डाल देंगे और बड़ी प्यारी खुशबू आएगी, लुक इसकी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और टेस्ट आप इंशाल्लाह मुझे याद रखेंगे अगर आप ऐसे ही बनाएंगे तो। और अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल से मज़ीद इसकी रेसिपी दोबारा शेयर कर दूंगी। वैसे ये तो आपको पता ही है सिंपल सा जी मसाला भूनना है, दाल डाल देनी है, दाल गल जाएगी तो हाफ को हमने ऐसे ऐसे हल्का सा मैशी कर लेना है, हाफ को हमने साबित रखना है, ठीक है। तो चले दिखाती हूँ फिर आगे और क्या क्या किया मैंने। तो ये बच्चे आ चुके हैं मदरसे से, हाय कर दो राफे। वालेकुम अस्सलाम। तो इसने चेंज कर लिया है, वो चेंज कर रहा है और खाना भी मेरा बन गया। मैं आपको शक्ल दिखा देती हूँ, ये देखें जी हॉर्स पावर दाल। वाओ ये हॉर्स पावर दाल कहते हैं, इनकी फेवरेट है, साथ में राइस है और चूल्हा मैंने जला लिया है। थोड़ी देर तरह घर गर्म, मुझे शाम हो गई है और घर ठंडा होना स्टार्ट हो गया है। तो खैर बच्चे अभी आज तो घर हैं क्योंकि इनकी ट्यूशन से छुट्टी है और ये खूब इंजॉय करेंगे। अभी इन्होंने खेलना है और बस खेलना है और बस खेलना है। और आप देख ही रहे हैं मेरे मियाँ क्या कर रहे हैं। और ये भी टाइम मेरा थोड़ा सा रेस्ट का है, अभी मैंने चाय पी है और बस थोड़ी सी देर मैं रेस्ट करूँगी, फिर इंशाल्लाह मगरिब की नमाज अदा करेंगे। चलो राफी बेटा आप चेंज कर लो, फिर इजी होकर बैठ जाओ, ठीक है बाय। ये सो के उठी है इसलिए फ्रेश है। ये देख लीजिए ये बच्चे सर्दियों में पूल एंजॉय कर रहे हैं।
ये इनका मस्ती टाइम है, ये इनके पापा के आने से घंटा पहले इनकी बहुत मस्ती, फुल चार्ज हो जाते हैं ये बच्चे। ये देखे ये ड्रैगन, ड्रैगन आ गया, ड्रैगन अली लेटा हुआ है, अली थक गया है, अली साहब की भी देख रहे हैं। तो हो चुके हैं 7:30 और बच्चों को भी मैं देने लगी हूँ खाना, और इसका बाजा फिर से स्टार्ट हो गया है। शाम को ये फ्रेश थी तो मैं अब बनाने लगी हूँ इधर रोटियाँ, और गैस माशाल्लाह माशाल्लाह आ रही है, और फिर से मेट लूँगी किचन। दाल मैंने गरम कर ली है तो मेरे मियाँ आने वाले हैं, फिर दिखाती हूँ। जी गुड़िया, चलो ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। फिर क्या किया आज आपने सारा दिन? आज बस ही वीडियो शीडियो बनाते रहे हैं साथ साथ। बस बनाई है थोड़ी, लेकिन टाइम नहीं ज्यादा मिल सका। क्यों जी? मसरूफियत ज्यादा थी। अच्छा जी, तो अब होगा जनाब खाना शाना, तो वीडियो को हम करेंगे यहीं पे एंड। तो जी वीडियो का एंड भी आज आप ही करें। तो ये वीडियो थी हम हस्बैंड वाइफ की, मैं घर के काम कैसे करती हूँ, ये ऑफिस के काम कैसे करते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत मज़ा आया होगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आज के इस वीडियो में जितने भी लाइक्स होंगे वो सारे मेरे हस्बैंड के लिए होंगे। तो चले जी वीडियो का एंड करें। बाय बाय जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। Up. 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 Up.